एक सर मेडिकल क्वेश्चन दो क्वेश्चन है और काफी ईजी है पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एम जी ओ प्लस टू एच सी एल और एम जी सी एल टू और वाटर यहाँ पे ठीक है और वहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा तो ऑप्शन लिखा हुआ था तो आप जानते हैं कि ये है स्ट्रॉन्ग और एसिड है ठीक है बट इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये देखिए आपका ये है बी ई बेलियम और मैग्नीशियम बेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और स्ट्रेंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड ये सब लोग हम लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ऑर्डर जाता है बेसिक का नीचे की तरफ आपका ऑर्डर यहाँ पे बेसिक के ले जाएगा बेसिक का प्रॉपर्टी नीचे की तरफ जाता है और इस तरह ये वाला जो होता है ये बहुत अच्छा बेस नहीं है इसको हम लोग वीक बेस ही मानते हैं कि ये जैसे ये दोनों ये दोनों जो बेस हुआ ये ये एक वीक बेस के कैटेगरी में आता है तो अगर एक वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है और वन मोल एक्सेल बन रहा है तो जो हीट ऑफ न्यूट होगा हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल तो यहाँ जो ऑप्शन में लिखना है कि वो डाटा जो होगा वो लेस देन ये लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल क्योंकि स्ट्रांग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो थर्टीन होता बट अगर कोई एक वीक लेंगे तो उस केस में वो थर्टीन पॉइंट सेवन से कम हो जाएगा जो हम लोग पढ़े हुए हैं नौ नेक्स्ट द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछा जा रहा है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नियरली पूछा गया है नियरली तो आप जानते हैं कि ये डाटा निगेटिव होता है तो माइनस थर्टीन पॉइंट सेवन किलो कैलोरी और पर मोल ऐसे रहेगा या इस डाटा को अगर करेंगे किलो जूल में तो माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव किलो जूल तो नियरली नियरली माइनस रहेगा पहले प्लस तो साइन हटा ही दीजिए ये और ये हटा दीजिए माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव तो नियरली ये डाटा हुआ जो वेरी क्लोज है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट से ये मेडिकल क्वेश्चन था और मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और जो जो स्टेटमेंट है बनाने का तरीका ये होता है कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको इक्वेशन फॉर्मेट ले आइए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करेगा सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है और इसके लिए लिखा हुआ डाटा ये है फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर वाटर वन मोल वाटर बना रहे हैं उसका फॉर्मेशन के लिए ये इक्वेशन है ठीक okay. है मुझे चाहिए था डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ द तो ओच एंड ओच एंड के फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्शन लिखा हुआ है कुछ डाटा इसमें मिसिंग है कुछ डाटा इसमें इस, इस क्वेश्चन में कुछ डाटा ऐसे मिसिंग है आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को आप ऐसे भी क्योंकि आप पढ़े हुए न्यूटलाइजेशन का मतलब ये होता है ये होता है न्यूटलाइजन ये है सॉल्ट 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 को हटा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि H प्लस ओच एंड का मतलब ऐसे कम्बाइन करके वाटर और आप चाहें तो डेल्टा H1 ऐसे भी आप लिख सकते हैं माइनस अब 56.07 किलो पॉइंट पर मोल किलो परमूल आप पढ़े हुए हैं कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कम्बिनेशन ऑफ H प्लस एंड ओच एन तो एक इक्वेशन नंबर ये लिखा हुआ वन है एक इक्वेशन नंबर वन है और एक इक्वेशन नंबर टू है और इनके हेल्प से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओच एंड ओच एंड कैसे बनेगा तो ओच एंड बनाना है आपको तो ओच एंड ऐसे फॉर्म करना है इसके लिए आपको लेना चाहिए हाफ ऑफ द हाइड्रोजन हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ द ऑक्सीजन ऐसे लेना है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी लेना चाहिए आपको आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लेना चाहिए तब जाके ये ओच एंड बनेगा क्योंकि तो ये हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन हाफ और ये ये बनाना है हमें तो हमें थर्ड ये निकालना है ऐसे थर्ड वाला इक्वेशन हमें इसके लिए निकालना है थर्ड कैसे आएगा तो ओच एंड राइट साइड में ओच एंड राइट साइड में है तो अगर टू माइनस वन कर दूं मैं टू माइनस वन बट आएगा नहीं ठीक है आएगा नहीं बट कोई ऑप्शन भी नहीं है मैंने बताया कुछ डाटा इसमें मिसिंग है अगर हम लोग थर्ड चाहिए तो थर्ड अगर हम लोग करके देखते हैं अगर टू टू आप माइनस वन करके देखते हैं टू माइनस वन करके देखते हैं देखिए थर्ड तो ऐसे ही आएगा क्योंकि ये ये वाला ये वाला कट जाएगा और वो ओच इधर रहेगा निगेटिव तो right राइट साइड जाएगा प्लस करके देखते हैं ठीक है बट आएगा नहीं आपको ठीक है देखते हैं टू माइनस वन टू टू कहाँ है ये एच टू प्लस हाफ ओ टू ठीक है और माइनस एच प्लस माइनस ओच माइनस और राइट साइड राइट साइड में कुछ नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो H2 टू प्लस हाफ ओ और राइट साइड में इधर हो गया O- OH माइनस और राइट साइड में हो गया H+ प्लस ऐसे ये है तो ऐसा आ रहा है जबकि हमें चाहिए था हाफ हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन चाहिए था बट इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है ठीक है ऐसा ठीक है तो थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन था या डाटा इनकम्प्लीट है और देना चाहिए इसमें इसमें और कुछ रहना चाहिए वैल्यू बट जो ऑप्शन दिख रहा है उसके हिसाब से हमें यही करना होगा जो भी है मेरे पास तो ये है एक हाइड्रोजन ये कट सकते हैं बट सही नहीं है सही नहीं है ठीक है बट जो है आपके पास जो चार इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन ही ऐसे रॉन्ग है डाटा इनकम्प्लीट है बट अगर आपको लिखना हो ऐसा ही जैसे ओच माइनस है ऐसे राइट साइड में आ रहा है हाइड्रोजन आ रहा है ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन यहाँ मिसिंग है तो बाकी टर्म को इसको मान सकते हैं इसका के फॉर्मेशन जीरो है ठीक है मतलब आपका डेल्टा एच थ्री जो हमें डेल्टा एच चाहिए डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ द तो ओ एच माइनस चाहिए वो वो निकालना है तो टू माइनस डेल्टा एच टू और माइनस डेल्टा एच वन ये है डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन पुट कर लीजिए देखिए सो so, डेल्टा h2 टू सो माइनस टू एट्टी फाइव पॉइंट सेवन सेवन और माइनस माइनस प्लस हो गया फिफ्टी सिक्स पॉइंट जीरो सेवन ऐसे सो टू एटी फाइव पॉइंट सेवन माइनस फिफ्टी सिक्स पॉइंट जीरो माइनस ये हो गया और सेवन जीरो हो गया और ये हुआ सेवन जीरो पॉइंट ऐसे सो फिफ्टीन सिक्स नाइन और ये हो गया सेवन और माइनस फोर टू कोई हैंड से देखिए तो माइनस टू ट्वेंटी नाइन माइनस टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन जीरो किलो जो तो आंसर है ऑप्शन में ए लिखा हुआ है आंसर बट ये इनकम्प्लीट ही क्वेश्चन कहेंगे ये आ, कुछ डाटा तो मिसिंग है ही तो, नहीं कुछ है ऑप्शन में तो आपको ये ऐसे बनाना है आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था आपको और ये लिखा हुआ है कि एच थ्री थ्री और एन ओ एच कर रहा है और हंड्रेड सिक्स पॉइंट सिक्स एट किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है और एक रेफरेंस डाटा लिखा हुआ है ये एक रेफरेंस डाटा है आपका स्ट्रोंग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये एक रेफरेंस डाटा लिखा हुआ है पूछा जा रहा है कि नाउ डेल्टा एच इन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ एच थ्री थ्री सबसे पहले हम लोग इसके बारे में प्लानिंग करते हैं हम लोग जानते हैं ये सब कुछ जानते हैं कि ये एच थ्री और पी ओ थ्री ऐसे यहाँ ऑक्सीडिस स्टेट जो है वो प्लस थ्री है ठीक है ऐसे इसका ड्रॉइंग करेंगे एच ओ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ओ और ये है ओ और एच और यहाँ पे एच हो गया ऐसे हम लोग जानते हैं कि इसके पास जो एसिडिक हाइड्रोजन जो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो है टू ऐसे टू एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड और हाइड्रोजन राइट साइड और ये है एक वीक एसिड विक एसिड इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये प्लान करते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और टू जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और टू सॉल्ट बन रहा है और साथ में यहाँ पे टू वाटर जो रिलीज किया तो इस जगह जो एनर्जी यहाँ हो गया टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया एट ठीक है सो यहाँ सिक्स और वन और वन और ये है आपका जस्ट रिचेक्ट टू से मल्टीप्लाई करना है ये एट हो गया सिक्स वन सो देखिए हंड्रेड एलेवन पॉइंट सिक्स एट किलो जूल ये आप एक रेफरेंस ले लीजिए जो दिया हुआ पेपर में स्ट्रॉन्गेस्टेड बेस और टू अगर टू वाटर बन रहा है तो ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा ये रेफरेंस लीजिए अब आप आ जाइए इसके लिए एच थ्री पी ओ थ्री के लिए कि अगर ये एच थ्री पी ओ थ्री ले रहे हैं तो यहाँ भी आपको दो ही एसिडिक हाइड्रोजन है तो दो बेस लेना पड़ेगा और यहाँ टू मोल्स ऑफ एन एच लेना होगा तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा यहाँ सॉल्ट बना वो हो गया एन ए टू और एच पी ओ थ्री यहाँ वाटर रिलीज किया तो यहाँ वाटर रिलीज कर रहा है टू मोल्स ऑफ वाटर रिलीज किया और यहाँ पर पेपर में डाटा लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डाटा 106.68 सिक्स किलो छूट इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है दिया हुआ है पेपर में ठीक है तो ये एक रेफरेंस हुआ स्ट्रॉन्ग एस्टेड स्ट्रॉन्ग बेस जब टू वाटर बन रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है और जैसे है आप एस ले रहे हैं तो इसमें एस थ्रीडी हाइड्रोजन टू हुआ ये स्ट्रॉन्ग बेस है सॉल्ट बना वाटर बना उतना एनर्जी रिलीज किया अब आप कंपेयर कर लीजिए अब दोनों जैसे ही कंपेयर करेंगे तो दोनों में कंपेयर करने में कितना अमाउंट कम रहा तो यह है जीरो जीरो पॉइंट यहाँ पे करेंगे तो फाइव फाइव किलो जूल एनर्जी जो हुआ वो कम है स्टैंडर्ड डाटा के रिस्पेक्ट में फाइव किलो जूल एनर्जी कम है ये फाइव किलो जूल कहा जाएगा तो ये फाइव किलो जूल इसको ब्रेक करने में चला जाएगा क्योंकि ये है वीक एसिड वीक एसिड को डिसोसिएट करने में के लिए फाइव किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड ये इतना एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड इतना एनर्जी तो रिक्वायर्ड है तो यही है हीट ऑफ आयोनाइजेशन जैसे डेल्टा एच डेल्टा एच फॉर आयोनाइजेशन ये अगर मुझे आयोनाइजेशन करना हो ऑफ तो आयोनाइज करना है इसको आयोनाइजेशन करना है एस ओ थ्री को आयोनाइज करना है तो ये एनर्जी इतना रिक्वायर्ड है एंडोथर्मिक है तो साइन रहेगा प्लस ऑफ फाइव किलो जूल ये तो ये है फाइव किलो जूल ऐसा चेक कर लीजिएगा प्लस फाइव किलो जूल ऐसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पैकेज का है मैंने अभी प्रेजेंट किया था काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और ये न्यूट्रलाइज करना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या प्रोडक्ट बन रहा है कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है ये सब डिस्कस करना था इसमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ पहले इसको मोल में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ठीक है देखिए यहाँ समझिए कि वन ग्राम इक्वालेंट वन ग्राम इक्वालेंट ये सब नंबर ऑफ इक्वालेंट ये जो आपको ट्वेल्थ क्लास में जो स्ट्रेंथ ऑफ सोलूसन डिस्कस करेंगे हम लोग इनके बारे में सो वन ग्राम इक्वेलेंट का मतलब होता है आप लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, ऐसा, लिख सकते सकते हैं हैं ठीक है या फिर ठीक है एक रिजल्ट होता है नंबर ऑफ और नंबर ऑफ इक्वेलेंट का एक रिजल्ट होता है वो होता है एन नंबर ऑफ मोल इंटू एक्स फैक्टर एच टूस फोर के लिए सब लोग जानते हैं एच टी एस फोर का एक्सफैक्टर होता है ऐसे आप जानते हैं h2so4 का टॉन ऐसे तो ये है h2so4 जिसका एसिडिक हाइड्रोजन 2 है आप पढ़े हुए हैं और यही इसका x फैक्टर हो गया x फैक्टर 2 है ठीक तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्विवेलेंट लेफ्ट साइड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट है और यहाँ नंबर ऑफ मोल n और x फैक्टर 2 है ठीक है मतलब नंबर ऑफ मोल कर सकते हैं आप और वन बाई टू और वन बाई टू और मोल वन बाई टू मोल एच टू एस ओ फोर ऐसे लिख सकते हैं ये आप लिख सकते हैं ऐसा और अगर आप ऐसे लिखेंगे कि वन बाई टू और हाफ मोल और एच टू एस ओ फोर लिख सकते हैं ऐसे या फिर आप लिख सकते हैं इसके जगह आप लिख सकते हैं हाफ और एच टू एस ओ फोर का मतलब हुआ एच प्लस एच प्लस या ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटलाइजन के लिए ये सब चीज़ें आपको जरूरी है जानना टू एच प्लस और एस ओ फोर टू माइनस ऐसा लिख सकते हैं क्या आप इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करेंगे तो हाफ़ हाफ, -हाफ कैंसिल हो गया तो ये है एच प्लस एंड अ हाफ मोल ऑफ द सल्फेट एस ओ फोर टू माइनस ऐसा ये ये है आपका इसका मीनिंग जो हो गया तो वन इक्विवेलेंट वन ग्राम इक्विवेलेंट का पहले आप मीनिंग ऐसे ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल से भी ब्रेक कर लेंगे और इसको ब्रेक करेंगे तो वन एच प्लस हुआ और हाफ सल्फेट हुआ ऐसे ही राइट साइड आइए राइट साइड में अगर हमें मोल निकालना है तो आप जानते हैं केवच केवच का मोलिकुलर वेट मोलिकुलर वेट पोटेशियम होता है थर्टी नाइन प्लस यहाँ सिक्सटीन और प्लस हाइड्रोजन जो हो गया वो वन तो इसका मोलिकुलर वेट फोर्टी और ये फिफ्टी और सिक्स ग्राम अप पर मोल। ऐसा मोलिकुलर वेट हो गया तो इस तरह इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे नंबर ऑफ मोल और वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट सो वेट हुआ मोलिकुलर वेट डिवाइड करेंगे टू मोल्स ये हुआ टू मोल्स हुआ तो टू मोल्स क्या है के ओच तो इसका मतलब क्या हो गया तो इसका मतलब हो गया कि के प्लस के प्लस फिर के प्लस और ओच माइनस और ओच माइनस क्योंकि टू मोल्स के प्लस है ऐसे और टू मोल्स ओचन हुआ तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ था क्वेश्चन को आप ब्रेक कर लेंगे ब्रेक कर करके ये जो इसको नंबर ऑफ मोल्स मिलाएंगे उसको भी नंबर ऑफ मोल्स मिलाएंगे और उसको रिप्लेस कर लेंगे रिप्लेस करना है एसिड और बेस में अब आप यहाँ से देखिए फाइनली अब फाइनली देखिए अब क्या हो रहा है तो यहाँ से आ रहा है एच प्लस वन हाफ मोल है सल्फेट ऐसे सल्फेट वो इधर से आ रहा है आपका ओच माइनस फिर से है ओच माइनस फिर है के प्लस और फिर है के के प्लस ऐसे और ये रिएक्ट करेगा ऐसे रिएक्ट करना है कि फाइनली इसका मतलब इसका मतलब आप ब्रेक कर लीजिए ब्रेक करने के बाद ये सब मोल्स के फॉर्म में लिखना है ये मोल में है वन मोल H प्लस हाफ मोल सल्फेट एंड और टू मोल ओ एच एंड टू मोल्स के प्लस ठीक है ये हुआ अब मैं इसको हटा देता हूँ और फाइनली हम लोगों को जो प्रोडक्ट बनाना है वो लिखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या आंसर से मैच कर रहा है देखिए सो लेफ्ट साइड हुआ एच प्लस और ओच माइनस हाफ सल्फेट प्लस के प्लस प्लस यहां के प्लस और ओच माइनस ऐसा ये लेफ्ट साइड हुआ तो ये है न्यूट्रलाइज कर रहा है देखिए न्यूट्रलाइज करना है इसको ऐसे और ये दोनों कंबाइन करेगा ये दोनों कंबाइन कर करके ऐसे बना लेगा तो हाफ मोड प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में हाफ हाफ मोल हाफ मोल जो हो गया केट बनेगा हाफ मोल केटूएसफोर बन गया और ये ये एजिटिज वन मोल वन मोल एजिटिज रह जाएगा एजिटिज वन मोल क्यूच ऐसे रहेगा और ये अब वन मोल वाटर बन गया तो जब वाटर बनेगा वन मोल वाटर बनता है तो यहाँ एनर्जी रिलीज करेगा थर्टीन पॉइंट सेवन किलो कैलोरी पर मोल इतना एनर्जी रिलीज करता है तो ये है रिएक्शन ये रिएक्शन आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है और हाफ मोल हाफ मोल जो हुआ के टू फोर हाफ मोल के टू एस ओ फोर इतना बनेगा इसके बारे में लिखेंगे वन मोल और वन मोल क्यूएच वन मोल क्यूएच जो बचा का बचा रह जाएगा लेफ्ट रहेगा या राइट साइड होगा और एनर्जी है थर्टीन पॉइंट सेवन आप इन तीनों से रिलेट करके ऑप्शन को चेक करेंगे सो ऑप्शन ए में थर्टीन पॉइंट सेवन किलो कैलोरी हीट रिवॉल्व और फॉर्मेशन ऑफ एट्टी सेवन ग्राम ऑफ ऑप्शन ए गलत है लिविंग नो क्यूएच जबकि लिविंग क्यूएच क्यूएच में तो क्यूएच तो लिव कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं हो सकता अच्छा इसका ग्राम में लिखा हुआ इसका ग्राम कन्वर्ट कर देता हूँ मैं चलिए K2SO4 नंबर ऑफ मोल और वेट बाय मोलिकुलर वेट तो वेट अगर चाहिए तो नंबर ऑफ मोल इन टू मोलिकुलर वेट तो अगर ग्राम में चाहिए तो नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल हुआ हाफ और इसका मोलिकुलर वेट तो के टू एस ओ फोर तो के टू एस ओ फोर का मोलिकुलर वेट सो टू मल्टीप्लाई बाई थर्टी नाइन प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर सो so, यहां पे आप सॉल्व कर लेंगे नाइन्टी सिक्स सो वन सेवेंटी फोर बाई टू सो वेट इज इक्वल टू हो गया यहां पे एट एट्टी सेवन एट्टी सेवन ग्राम एच के टू एस ओ फोर तो अगर अमाउंट में रहेगा तो एट्टी सेवन ग्राम के टू एस ओ फोर फॉर्मड हुआ और के ओ एच बचेगा आपका वन मोल और थर्टीन पॉइंट सेवन ए तो नहीं है आंसर ए नहीं है बी चेक करते हैं ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर किलो कैलोरी एनर्जी रिवॉल्व वो भी गलत है क्योंकि एक ही वाटर न्यूट्रलाइज कर रहा है एक ही मोल वाटर एच प्लस एंड ओ एच फॉर्म करेगा तो थर्टीन पॉइंट सेवन ही रिलीज करेगा ऑप्शन सी भी रॉन्ग है सी में भी गलत है और ऑप्शन डी करेक्ट है थर्टीन पॉइंट सेवन किलो कैलोरी कैलोरी एनर्जी इवॉल्व फॉर्मेशन ऑफ 87 सेवन ग्राम ऑफ क्योच एंड लिविंग वन ग्राम इक्लेंट ऑफ क्योच। वही है वन मोल क्योच या वन ग्राम इक्वलेंट ऑफ क्योच, या वन मोल क्योच करिए या वन ग्राम इक्वलेंट ऑफ क्यूच ये ये बच जाएगा आपका ठीक है सो तो इस तरह आपको मैच करेंगे तो ऑप्शन में डी करेक्ट आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था पैकेज से मैंने क्वेश्चन लिया है और डाटा जो जो था मैंने यहाँ एक क्वेश्चन बना दिया कि एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है उसको न्यूट्रलाइज करना है हीट निकल रहा है फिफ ट्वेंटी सॉरी फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन फाइव किलो जूल पर मोल है ठीक तो है एक यहाँ लिखा हुआ डाटा कि ये आपका हंड्रेड परसेंट आयोनाइज करना है वीक एसिड को तो उसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है पड़े हुए हैं आयोनाइज करना डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है इसलिए मैंने प्लस साइन कर दिया वन किलो जूल पर मोल यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और मोनोबेसिक लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस मोनो एसिडिक लिखा हुआ है और इसको न्यूट्रलाइज करने में जो एनर्जी इवॉल्व कर रहा है वो है आपका 57.3 पूछा जाए कि परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इन मोलर सोल्यूशन वो पहले से कितना आयोनाइज था वो मोलर सोल्यूशन में वीक एसिड कितना परसेंट आयोनाइज था ऑलरेडी आयोनाइज था आसान है चलिए प्लान करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तो है तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं यह है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी आप ले लेंगे यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक जैसे एच आप ले लीजिए और प्लस एनएच ले लीजिए ऐसे और ये एक रिफ्रेंस डाटा है ये एन हो गया और प्लस वाटर ऐसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और यहाँ से जो हीट निकलेगा 57.3 सेवन ये है किलो और जूल पर मोल इतना एनर्जी इवॉल्व कर रहा है ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है स्ट्रोंग बेस लेना है सॉल्ट लेना है सॉल्वेंट लेना है और 57.3 किलो कैलोरी किलो जूल पर मोटर इवॉल्व कर रहा है नो एच ए लेना है और एन अब इसके लिए देखिए दूसरा एच ए और एन के लिए ये अब आप प्लान कर रहे हैं वीक एसिड ये है एच ए प्लस एनओ एच प्लस यहाँ पे हो गया एन ये सॉल्ट हो गया प्लस वाटर है और यहाँ जो हीट इवॉल्व किया यहाँ पे लिखा हुआ है 55.95 55.95 ऐसे किलो और जूल पर मोल ऐसे किलो जूल पर और ऐसे इतना हेट इवॉल्व करता है ठीक है अब देखेंगे आप दोनों डाटा आप चेक करिए अगर आप दोनों को ऐसे रिलेट करेंगे तो दोनों में देखिएगा कि कितना डाटा का डिफरेंस है कितना डिफरेंस है आपका ठीक है कितना दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो ये है दोनों डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका यहाँ जीरो कर लीजिए सो फाइव टेन माइनस फाइव ये जीरो हो गया ये हुआ टू और ट्वेल्व नाइन थ्री और यहाँ पे हो जाएगा वन तो वन पॉइंट थ्री जीरो किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी जो हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि इतना एनर्जी चला जाएगा कि इतना एनर्जी होगा यूज होगा डिसोसिएट करने में इसको डिसोसिएशन करने में यूज होगा ठीक है तो इतना एनर्जी जो है वो इसको एच ए जो वीक एसिड है वो वीक एसिड को डिसोसिएट करने में यूज़ होगा ठीक है अब यहाँ पे रेफरेंस डाटा लिखा हुआ है कि 1.4 किलो जूल पर मोल दीजिएगा तो 100 परसेंट डिसोसिएट करेगा ठीक है 1.4 किलो जूल देने पे ये 100 परसेंट डिसोसिएट करेगा तो 1.3 देने पे कितना डिसोसिएट कर रहा है वो चेक गिवन ये पेपर में लिखा हुआ था 1.4 किलो जूल पर मोल देने पे, सो so ये इक्वल टू हंड्रेड परसेंट आयोनाइजेशन हंड्रेड परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ एच ए पेपर में लिखा हुआ है ऐसे हंड्रेड परसेंट आयोनाइज करना है तो आपको 1.5 किलो जूल देना पड़ेगा देन हम तो उतना दे नहीं रहे हैं हम लोग तो देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में गैप जो आ रहा है सिर्फ 1.3, पॉइंट थ्री सो पॉइंट जीरो या वन पॉइंट थ्री किलो जूल अगर पर मोल देंगे तो इससे कितना परसेंट आयोनाइज हुआ तो हंड्रेड डिवाइड बाय वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट थ्री परसेंट या सो हंड्रेड वन पॉइंट थ्री डिवाइड बाय वन पॉइंट फोर हंड्रेड ninety two point eight five ninety two point eight five eight percent ninety hundred yeah one three zero divide by one point four ninety two point eight five ninety two point eight five percent ionized by हीट इतना आयोनाइज करेगा हीट के थ्रू आप प्लस बाकी जो इसमें से बचा हुआ है इसमें जो बच गया हंड्रेड अगर हंड्रेड खटा रहे हैं इसमें से हंड्रेड तो ये हो गया 7.14 पॉइंट वन फोर प्लस सेवन पॉइंट वन फोर या वन फाइव परसेंट ठीक है सेवन पॉइंट वन फाइव परसेंट सेल्फ आयोनाइज ये सेल्फ आयोनाइज रहेगा इनिशियली तो यही तो आंसर है ये सेवन पॉइंट वन फाइव मैं फिर से समझा दे रहा हूँ तो ऑप्शन में मैं देख लेता हूँ तो ऑप्शन में नहीं कुछ गलती हुआ हम लोग से कहाँ गलती हुआ डाटा लिखने में एक बार मैं डाटा फिर से चेक कर लेता हूँ फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री ये लिखा हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट इट स्ट्रॉन्ग बेस का और इसका लिखा हुआ 55 .95, 55 .95, 55 .95, है फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन फाइव फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन फाइव फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन फाइव ठीक है सो so, अगर आप घटा रहे हैं इसमें से इसमें से घटाइएगा तो ये हुआ आपका टेन और फाइव कुछ मिस्टेक हो गया सो so, यहाँ मिस्टेक है सो so, टेन फाइव यहाँ पे फाइव हो जाता फिर से रिचेक कर लीजिए फिर से रिचे करिएगा सो so, टेन फाइव फाइव हो गया ट्वेल्व और नाउ थ्री और वन पॉइंट थ्री फाइव में वो मिस्टेक हुआ था हमसे तो so, लिखेंगे यहाँ पे वन पॉइंट फोर से हंड्रेड परसेंट कर रहा है तो वन 1.35 अगर 1.35 किलो जूल्स रहेगा तो यहां सॉल्व कर लेंगे सो so, so, 1.35 135 सो so, 135 डिवाइड बाय 1.4 96.4 सो 96.4 सिक्स पॉइंट फोर परसेंट आयोनाइज बाई हीट प्लस जो बाकी बचा हुआ है आपका 3.6% परसेंट आर सेल्फ आयोनाइज इनिशियली यही चाहिए था यही चाहिए था यही पेपर में चाहिए था आपको कि पूछा जा रहा था कि वो मोलर सोलूशन में एच ए जो वीक एसिड है ये जो मोलर सोलूसन है ये लिखा हुआ था पेपर में जो मोलर सोलूसन है ये वन मोलर सोलूसन ऐसे तो इसमें वीक एसिड जो एच ए जो वीक एसिड आप ऐड करेंगे ये ये वीक एसिड है तो कितना आयोनाइज रहेगा इनिशियली ये पूछा गया था कि वीक एसिड जो है तो आप जानते हैं वीक एसिड ऐसे मेजर पार्ट यही रहेगा और कुछ पार्ट बहुत कम पार्ट जो है वो आयोनाइज रहता है तो वही पूछ रहा है कि कितना पार्ट आयोनाइज था इनिशियली तो इतना पार्ट ये 96.4 परसेंट ये तो आयोनाइज हुआ है किसके थ्रू हीट के थ्रू हिट के थ्रू क्योंकि ये रिफ्रेश डाटा लिखा हुआ है वन पॉइंट फोर से हंड्रेड परसेंट आयोनाइज हो रहा है बट आप दे कितना रहे हैं अगर आप देखिएगा तो इन दोनों में डिफरेंस है वन पॉइंट थ्री फाइव जो कि इसको आयोनाइज करने में जाएगा तो वन पॉइंट थ्री फाइव से इतना परसेंट हीट से आयोनाइज करेगा तो बाकी जो हंड्रेड में से घटाइएगा तो थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट ये इनिशियली जो है वो थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट आयोनाइज इनिशियली ये आयोनाइज जो रहेगा इनिशियली ठीक है सो so, इतना शुरू से आयोनाइेशन था 3.6 पॉइंट परसेंट आयोनाइज जो है शुरू से इनिशियली आयोनाइज होगा बाकी 96.4 सिक्स परसेंट आयोनाइज करेगा ये इन थेलपी के थ्रू हीट गेन करके वो ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था तो इसमें पूछा गया था कि इनिशियली मोलर सोल्यूशन में कितना परसेंट आयोनाइज होगा तो वीक एसिड जानते ही हैं वीक एसिड वीक बेस बहुत कम आयोनाइज होते हैं वही डाटा चाहिए था हो गया है नेरली एक क्वेश्चन और मैं सर्च करता हूँ सिंपल एक छोटा सा डाटा मैंने दे दिया और आप बताइए इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो एकदम आसान है सबसे पहले आप इनके नंबर ऑफ मोल्स को आप कैलकुलेट करेंगे आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको अब आप मोलारीटी लेना है और वॉल्यूम लेना है और मिलीलीटर में और डिवाइड बाई यहाँ रखना है थाउजेंड ऐसे रखना है थाउजेंड ठीक है तो सबसे पहले अगर आप मोल निकाल रहे हैं यहाँ पे तो मोल जो है मोलारीटी मोलरिटी हो गया और वॉल्यूम हो गया और डिवाइड बाई थाउजेंड ये सो यहाँ नंबर ऑफ़ मोल अगर कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल तो ये है मोलरिटी वॉल्यूम और ये टेन पे पावर माइनस थ्री भी लेंगे तो ये हो जाएगा हंड्रेड और ये जीरो पॉइंट फाइव ये हो गया जीरो पॉइंट फाइव और इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री मोल ये इतना मोल हो गया और यहाँ आप नंबर ऑफ मोल लेंगे नंबर ऑफ मोल तो ये हुआ जीरो पॉइंट टू फाइव तो ये है जीरो पॉइंट टू फाइव और इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री ऐसे इतना मोल हो गया ऐसे ठीक है और अगर आप ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को आप जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम प्लस प्लस और यहाँ हो गया टू और ओ एच माइनस तो ये अगर एन है और ये जीरो जीरो ब्रेक करेंगे जीरो एन और ये हो गया टू एन ऐसे टू एन हो गया ठीक है तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होगा जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री और मोल मोल जो हो गया वो है कैल्शियम प्लस प्लस और ये हाइड्रोजन ओ एच हो गया डबल हो जाएगा इसका डबल तो डबल करेंगे इसमें टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन वन इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री और मूल ये जो हो गया वो हो गया ओ एच माइनस ऐसे एल ये समझिए ऐसे ठीक है उस तरह एक साइड आप करेंगे इस साइड आप जानते हैं कि एच सी एल एच सी एल जो है वो ब्रेक करेंगे तो एच सी एल जो हुआ वो एच प्लस और सी एल माइनस ऐसे तो यहाँ पे अगर आपका n है जीरो जीरो तो ये जीरो होगा तो n और n होगा तो इस तरह आपका n जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री मोल H प्लस हो गया और यहाँ हो गया जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री और मोल ये हो गया सी एल माइनस ये हो गया रिजल्ट H प्लस और सी एल माइनस सी तो अब दोनों में डाटा आपको मिल गया अब हमें न्यूट्रलाइज़न चाहिए था तो देखते हैं कॉमन डाटा क्या आप इसको हटा देंगे इसको हमें मतलब नहीं है कैल्सियम और क्लोराइड सिर्फ कोई मतलब नहीं है इन दोनों में कॉमन डाटा देखते हैं ठीक है मैं हटा रहा हूँ इसको अब देखिए यहाँ पे ये है आपका ओ एच ये एच प्लस ले लीजिए तो एच प्लस कितना तो एच प्लस है और जीरो पॉइंट टू फाइव टेन पे पावर माइनस थ्री इतना मोल है इतना मोल H+ प्लस है और यहाँ से ले लेंगे ओच माइनस तो ओच माइनस अगर आप यहाँ से देखेंगे ओच माइनस तो वन इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री वन इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री और मोल ऐसा हो गया तो जो दोनों में कॉमन डाटा है दोनों का जो कॉमन कॉमन डाटा हो गया तो कॉमन डाटा ये वाला ये मिनिमम है ये मिनिमम वाला लेंगे तो यहाँ पे एच जो लेंगे ये वाटर जो बना वो इन दोनों में जो कॉमन कॉमन जो डाटा है अगर आप चाहें तो ओच को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और और ओच को चार पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि ओच एन और यह है जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री मूल और प्लस प्लस ओच एन ये है जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री इतना मूल इतना मूल बचा रहा जाएगा क्योंकि यह है वन है ना वन मोल वन मोल ओ है तो ये जोड़ेंगे तो टोटल वन हो गया तो न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज तो सिर्फ यही करेगा जो कॉमन डाटा रहेगा यही यही पार्ट जो है न्यूट्रलाइज करेगा तो इतना डाटा जो है न्यूट्रलाइज किया तो इससे आपको बनेगा 0.25 ये वाटर जो हो गया वो वाटर बन रहा है 0.25 पॉइंट टू पावर माइनस इतना मोल वाटर बना और प्लस यहां डेल्टा एच ये निकालना है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो बना लीजिए अगर वन मोल वाटर बनता है तो थर्टीन पॉइंट सेवन इवॉल्व करता है बाकी यहां इसके लिए बना लीजिए आप जानते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर वन मोल ऑफ वाटर वन मोल वाटर जब वाटर वन मोल बनता है तो वो इक्वल एन टू और माइनस थर्टीन पॉइंट सेवन किलो कैलोरी ये होता है और अगर पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री इतना मोल वाटर रहेगा सो इक्वल एन टू सो माइनस थर्टीन पॉइंट सेवन इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव टेन पे पावर माइनस थ्री डिवाइड बाय वन किलो कैलोरी ऐसे ये सो चेक कर लीजिए इतना एनर्जी रिवॉल्व हो रहा है आपका डेल्टा एच हीट ऑफ न्यूटेशन जो निकालना था आपको माइनस साइन रहेगा और वन बाई फोर थर्टीन पॉइंट सेवन बाई फोर सो थर्टीन पॉइंट सेवन बाई फोर थ्री पॉइंट फोर टू फाइव थ्री पॉइंट फोर टू फाइव टेन पे पावर माइनस थ्री माइनस थ्री किलो से हटा दीजिए किलो किलो से कट जाएगा कैलोरी तो ये है आंसर अब आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया सब टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया अब आपके पैकेज में जो लेक्चर फोर है वो आप बना लेंगे लेक्चर फोर ये फाइनल हो गया कहीं कोई डाउट भी नहीं होगा आप पैकेज से बनाएंगे क्वेश्चन एक भी डाउट नहीं होगा तो आपको सबसे पहले थ्योरी देखना है ढेर सारा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है उसको आपको फॉलो करना है देन लेक्चर फोर बनाइएगा एक भी डाउट नहीं होगा नेक्स्ट क्लास